Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutorial.pk. Students, हम discuss कर रहे थे applications of Lee-Schattler principle. हमने क्या application discuss की in the form of Haber's process. आगे चलते हैं students, बिल्कुल उसी की तरह की एक example discuss कर लेते हैं, that is preparation of sulfur trioxide. अब students, सबसे पहले इसके against जो balanced chemical equation है, हम वो लिख लेते हैं. ये भी एक reversible reaction as you know, 2SO2 प्लस ओ टू, यानी कि आपने क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, एक तरह से ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर सल्फर ट्राईऑक्साइड जनरेट हो रहा है. अब ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अगेंस्ट जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो हो रही है -194 किलो जाउल पर. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे तो आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड ज्यादा होगी. तो स्टूडेंट्स वो वही फैक्टर्स हैं जो हम अमोनिया के हेबर्स प्रोसेस के लिए यूज करते हैं. सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम Lee-Schattler प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए किन कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहे होते हैं. उसके अलावा एक सिग्निफिकेंस डिस्कस करती चलूं इस टिपिकल रिएक्शन की, कि ये आपके पास जरूरी होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी केमिकल मैन्युफैक्चर के अंदर. तो स्टूडेंट सबसे पहले होता ये कि आपने, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास किस हिसाब से जनरेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट या अकॉर्डिंग टू कीपिंग इन माइंड द Lee-Schattler प्रिंसिपल. हम तीन चार फैक्टर्स हैं जिनको हम माइंड में रखते हैं. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि आप टेम्परेचर डिक्रीज रखते हैं इस कंडीशन के ऊपर, इस रिएक्शन को जब कैरी आउट कर रहे होते हैं, ताकि आपके पास यील्ड ज्यादा है, क्योंकि ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. नंबर टू, प्रेशर इंक्रीज रखते हैं प्रेशर, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास ज्यादा अच्छी जो प्रोडक्ट है वो जनरेट होती है, प्रेशर आपने ज्यादा रखना होता है. देन आपने क्या करना होता है, कैटलिस्ट यूज करना होता है. अब एक्चुअल कंडीशंस कौन सी हैं जिन पे आप ये टिपिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं स्टूडेंट्स, वही सेम फैक्टर्स हैं जो हम हेबर्स प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, वही आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं, तो ये आपके पास वैसे ही प्रोडक्ट ज्यादा जनरेट करेगा. उसके अलावा अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को टाइमली रिमूव करते रहें तो आपके पास ये प्रोडक्ट ज्यादा जनरेट करेगा. देन आप क्या करते हैं, जो बेसिकली आप रिएक्शन यूज करते हैं, प्रेशर आप यूज करते हैं 1 एटमोस्फेयर का, उसके बाद आप करते हैं टेम्परेचर जो आप यूज करते हैं वो 650 के राउंड अबाउट यूज करते हैं. आप क्या करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे आप फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज कर सकते हैं. आप क्या करते हैं कि बार बार रिसाइकलिंग करते हैं, जो आपके पास गैसेज अनरिएक्टेड रह जाती हैं उनको दोबारा ट्रीट करते हैं, लेकिन आप दोबारा उनको उसी टेम्परेचर पर ट्रीट नहीं करते, आप जरा उनको लेस टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये आप जब कंडीशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट होती है वो ज्यादा जनरेट होती है, कीपिंग द सेम फैक्टर्स इन माइंड एज दैट फॉर अमोनियाज हेबर प्रोसेस. तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास वैसे ही होता है. थैंक यू.